हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा और यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य के जो कला के नमूने मिलते हैं वो एलिफेंटा और एलोरा की गुफा, इन दोनों गुफाओं में मिलते हैं। यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैलाश गुफा मंदिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एलोरा की गुफा में मिलता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एलोरा में, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्टों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाई है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सौरमंडल, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इन टॉपिकों पर, तो काफ़ी अच्छी हैं, तो वहाँ पर जाइए और उन्हें भी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं। देखिए, वहाँ पर जो गुफाएं हैं एलिफेंटा की है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नेक्स्ट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कूट आंसर सही बनेगा वह बताना है, ठीक है। देखिए, दोनों जो ये विचार हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ठीक है। और चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सेलेन साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो ये दोनों विचार बिल्कुल सही हैं, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। देखिए, होयसाल स्मारक जो पाए जाते हैं ये हेलेबिड और बेल्लूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हेलेबिड और बेल्लूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वेंगी के चालुक्यों के साथ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यूपी पीसीएस 1996 क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पराय किसकी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। देखिए, चोल साम्राज्य की जो नींव डाली थी ये विजालिय ने डाली थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, विजालिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधवर्त यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। सुगंधवर्त का मतलब होता है करों को हटाने वाला शासक। तो सुगंधवर्त जो उपाधि धारण की थी ये की थी राजेंद्र थर्ड ने, जिसको कोलोतुंग चोल फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित यहाँ पर करना है, ग्रंथ और ग्रंथकार दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, ग्रंथ कौन कौन से है, पेरियार पुराणम, वीर सोलियम, कलिंग तुप्परानी, ठीक है। तो इनका यहाँ पर सुमिलित करने के बाद आंसर बताना है। देखिए, जो पहला ग्रंथ था इसके जो ग्रंथकार थे सिक्किलार है, सेकंड के बुधमित्र हैं और थर्ड के हो जाएंगे आपके जयगोनंद, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रृंखला बनती है 1 2 3 ये श्रृंखला बनती है, ऑप्शन ए में आपकी ये श्रृंखला मेल खाती है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी तंजोर को बनाने वाला कौन था। यानी कि चोल राज्य की जो राजधानी तंजोर थी उसका संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजालिय, ठीक है। तो चोल राज्य की जो राजधानी तंजोर थी उसको जो बनाया था विजालिय ने बनाया था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजालिय पहले किसका सामंत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन ए पल्लव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विजालिय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। देखिए, चोल राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 846 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो चोल राज्य की स्थापना किसने की थी, विजालिय ने 846 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिंद्रम्ब का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, नटराज मंदिर का जो निर्माण कराया था
ये कराया था प्रातंक फर्स्ट ने, किसने? प्रातंक फर्स्ट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था राजराजा फर्स्ट ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा राजराजा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया था? देखिए राजराज फर्स्ट ने जो श्रीलंका के विजित प्रदेशों का जो एक नाम दिया था उसकी जो राजधानी बनाई थी ये बनाई थी पोलतरारु। क्या बनाई थी? पोलतरारु। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने और नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजराजा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय का समापन मालदीव द्वारा समूह की विजय से किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजराजा फर्स्ट। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके पास व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक का ग्रुप है, तो वीडियो को वहाँ पर शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो ये किया था राजेंद्र फर्स्ट ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चिदंबरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये नगर जो बसाया था, ये नगर बसाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो ये जो शिष्टमंडल भेजा था चीन, ये भेजा था कोलोतुंग चोल फर्स्ट ने, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित यहाँ पर करना है, चोल प्रशासन से संबंध ये पर्सन है, पेरुनंद्रम सिरुत्रम ओलोनायकम विदयाधिकारी। देखिए इनका यहाँ पर सूचीबद्ध करना है, चलिए इसको यहाँ पर सूची मिलान करते हैं। पेरुनंद्रम जो है इसका संबंध है उस श्रेणी के अधिकारी वर्ग से, सिरुत्रम का जो संबंध है निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग से, ओनोनायकम का जो संबंध है मुख्य सचिव से, विधेय अधिकारी का जो संबंध है प्रेषण लिपिक से, यानी कि जो श्रृंखला बनती है 1 2 3 4 और ऑप्शन ए से ये मेल खाती है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी कूट आंसर बताना है, सुमेलित करना है, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य, मंडलम दिया है वलनाडु या कोट्टम या नाडु या कुर्रम, तो इनका यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित यहाँ पर करते हैं, मंडलम का जो संबंध है वो प्रांत से है, यानी कि चोलकालीन साम्राज्य में जो प्रांत को मंडलम कहा जाता था, वलनाडु या कोट्टम जो कहा जाता था कमिश्नरी को, नाडु जो कहा जाता था जिले को। ठीक है, याद रखिएगा चोलकालीन प्रशासन में जिले को नाडु कहा जाता था और ग्राम सभा को समूह को जो कहा जाता था कुर्रम कहा जाता था। तो यहाँ पर जो श्रृंखला बनती है 1 2 3 4 ये श्रृंखला बनती है और ऑप्शन ए में यही श्रृंखला बन रही है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको यहीं पर एक बात बता दें कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 इस तरीके की श्रृंखला बन रही है, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरीके की श्रृंखला नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, बस ये तो आप याद करने के लिए इस तरीके के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। सुमेलित यहाँ पर करना है, उरार दिया है सभा महासभा या पेरुगुरी नगरम पुंग, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। उरार का जो संबंध है उरुग्राम से है, यानी सामान्य ग्राम की सभा से, सभा या महासभा या पेरुगुरी
इसका संबंध जो है ब्राह्मणों को दान दिए दान में जो गांव दिए गए हैं उनकी सभाओं से। नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा। पुग, शिल्पियों की सभा। तो यहाँ पर जो श्रृंखला बनती है 1, 2, 3, 4 ये श्रृंखला बनती है और ऑप्शन ए से ये मेल खाती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरियम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा वरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर से। कहाँ से? उत्तर मेरूर से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में कड़ीमे का अर्थ था। देखिए, चोल काल में जो कड़ीमे कहा जाता था ये कहा जाता था भू राजस्व या लगान को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरीके की भाषा दक्षिण भारत में उपयोग में लाई जाती है, तो इस तरीके के जो भाषा आपको मिल रही है यहाँ पर, ये दक्षिण भारत के राज्य थे चोल काल, पांड्य, ठीक है, वहाँ पर इस तरीके की भाषा यूज की जाती थी कड़ी में। तो कड़ी में जो कहा जाता था भू राजस्व या लगान को कहा जाता था चोल काल में। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। देखिए, चोल काल में जो नौसेनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है ये राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। देखिए, चोल काल में जो योद्धा होते थे जो पराक्रम दिखाते थे युद्ध में, उनको जो उपाधि दी जाती थी ये दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय शिखामणि की उनको उपाधि दी जाती थी। परेया का अर्थ है, देखिए परेया जो चोल काल में कहा जाता था ये कहा जाता था अछूत को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। देखिए, चोल काल में जो सोने के सिक्के कहते थे यानी उनका जो नाम था सोने को सिक्कों का वो कुलंजू था। क्या था? कुलंजू। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यानी चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? कुलंजू कहते थे। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा हो, आर ओ ए आर ओ का आपका एग्जाम हो, या अदर्स जितने भी UPSC लेता है, तो इसी तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।